अधिकारी लकीशा जी, याडी मरियामा जी, रूप सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, इनको चरणों में नतमस्तक होकर विनम्र अभिवादन करके आज के जो दाहोद जिले के सभी मेरे भाई और बहन, बंजारा समाज के सभी भाई और बहनों, मित्र हो, गवली से दिल्ली जो लदनी यात्रा है, हम लोग इसलिए आए हैं कि पूरे भारत में बंजारा समाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग आरक्षण है हमारे समाज को। मित्रों हो, हम सब बंजारा समाज के जो लोग हैं, इनकी बोली भाषा, रहन सहन, संस्कृति, चाली रीति, विवाह बंधन, ये सब हमारा एक जैसा है। ये राजकीय लोगों ने षड्यंत्र बनाकर हमें अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा कर जो राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे 12 राज्य में हम लोगों को ओबीसी ओपन में डाला गया है। तो ये गवली से दिल्ली जो लदनी यात्रा है, इसका मकसद है कि पूरे भारत के बंजारा समाज को शेड्यूल ट्राइब में लाना चाहिए, ये मांग रखकर गवली से दिल्ली लदनी यात्रा निकाली गई है। बहुत सारे बंजारा समाज को आरक्षण मिला है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला और गुजरात में भी मेरे भाइयों को आरक्षण मिला है, बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को आरक्षण नहीं मिला है। भारत में हम लोगों को 44 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि भाड़ बंजारा, लबान बंजारा, गोर बंजारा, मारू बंजारा, ऐसे हमें 44 जातों में बांटा गया है। तो हमें एक ही सूची में आना है, इसलिए लदनी यात्रा की कोशिश चल रही है। मित्रों, उसके साथ साथ बंजारा बोली भाषा को 8वीं अनुसूची में आना चाहिए केंद्रीय केंद्र में। तो जहां जहां स्कूल जो है वहां अपना बंजारा भाषा का, जैसे लेखक कवि लिखते हैं वो भाषा में हमें पढ़ाएंगे, तो भी एक मांग रखी गई है। मित्रों, ये मांग लेकर गवली से दिल्ली क्यों निकली है, उसका दूसरा अर्थ है, महाराष्ट्र में बंजारा समाज के 11.5 साल मुख्यमंत्री रहे से वसंतराव जी नायक, इनका 5 दिसंबर को शपथ विधि हुआ था महाराष्ट्र में, तो तारीख ध्यान में रखकर जो स्वाभिमान दिन है, अपना हक अधिकार का दिन है, बहुत महत्व का पद था मुख्यमंत्री पद का, वो दिन था 5 दिसंबर, तो उस दिन से ये गवली से दिल्ली लदनी यात्रा शुरू हुई है। तो 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है, उसका निमंत्रण आमंत्रण मैं गुजरात वासियों को, दावत जिला बंजारा समाज वासियों को यहाँ देने के लिए आया हूँ। मित्रों, जिन जिन राज्य में आरक्षण है, उन राज्य में बंजारा समाज की बहुत सारी प्रगति हो गई है, और जिन जिन राज्य में आरक्षण नहीं मिला है, उन राज्य में हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो हम सब, वो भी अपने भाई है, हम एक खून के सब, और एक दूसरे को खून देने की नियत रखनी चाहिए। तो हम लोगों को जहाँ जहाँ हमारे बंजारा समाज बिछड़ गए हैं, उन्हें आरक्षण नहीं है, तो इनके लिए हम सबको एक संघ, एक छत्र के नीचे आकर उनके लिए हम सबको कोशिश करना चाहिए, ये मांग रखकर गवली से दिल्ली हम लोग यहाँ तक आए। मित्र हो, भारत में अगर देखेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मित्रों, इस देश में कम से कम 20 से 21 कोटी लोक संख्या है बंजारा समाज की है, तो इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारे सांसद कितने होना चाहिए, विधायक कितना होना चाहिए, सरपंच कितने होने चाहिए, जिला पंचायत, तहसील पंचायत में सदस्य कितने होना चाहिए, ये हम लोगों को अभी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हम लोग जब 20 या 21 कोटी लोक संख्या बताते हैं भारत में, अगर दिल्ली में 2 से 3 लाख अगर लोग जम गए वहाँ बंजारा समाज के महाअधिवेशन में, तो पूरी दिल्ली हिल जाएगी पूरी दिल्ली। मित्रों, तो हम सब एक जगह आने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज को नया हक अधिकार मिलवाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जहाँ भी देखो हमारे बंजारे समाज पर बहुत अन्याय हो रहा है, जहाँ भी जाओ मित्रों, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है,
मित्रों हमारा जब सुनने वाला जब तैयार हो जाएगा तो हमें हमारा नैहत अधिकार मिलेगा। मित्रों शिक्षा में हम वंचित है, मूलभूत सुविधा में हम वंचित है, हमारे सरपंच बहुत कम है, जगह जगह ग्रुप ग्राम पंचायत होती है, राजस्व दर्जा नहीं, हमें ये भी बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों ये जो युवा वर्ग है जो शिक्षा करते हैं, मैं उनके माता पिता को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को लड़कियों को बहुत अच्छा शिक्षा दे और उन्हें आगे बढ़ाए और IAS UPS क्लास वन अधिकारी बनाइए। हर समाज में आपको अधिकारी मिलेंगे। महाराष्ट्र में हमें 3% आरक्षण है, उक्त जाति में उसमें 14 जाति आती है, उसमें से अपने बंजारा समाज के लोग पढ़ पढ़कर बहुत अच्छे ऑफिसर्स बन गए, महिला PSI बन गई, कलेक्टर बन गई, डॉक्टर बन गई। तो यहाँ मैं महिलाओं को भी आह्वान करूंगा, अपनी बच्चियों को लड़कियों को अच्छा शिक्षा दे और क्लास वन अधिकारी बनाइए। मित्रों हम पहले आए थे रमेश भाई से मिले और यहाँ गांधीनगर करके गुजरात में एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ एक अपनी DYSP है बंजारा समाज की, वंजारा करके केजी वंजारा की लड़की। तो वो देखो वो कहां से कहां तक प्रगति कर लिए और हम लोग कहां से कहां पीछे, हम भी प्रगति करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों